हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में। फ्रेंड्स, आपको इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन तो इंटरनेट पर बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो एमसीक्यूज़ में इस तरह से ऑप्शन आती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि दोनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो मैं आज इन्हीं दोनों टॉपिक्स को कवर करूँगी, लेकिन एक कंपैरिजन फॉर्म में। आइए समझते हैं क्या है वर्ल्ड बैंक और वो किस तरह से आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से डिफरेंट है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो हैं, दोनों का ही हेड ऑफिस जो है वॉशिंगटन में है, और दोनों ही 1944 में एग्जिस्टेंस में आए। दोनों के 189 मेंबर्स अब हो गए हैं, 189 मेंबर्स हैं, लेकिन इनमें बहुत ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, आइए उसे डिस्कस करते हैं। डिफरेंस डिस्कस करने से पहले अपने दिमाग में एक एग्जांपल बिठा लीजिए। मान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक जो है आपके जिम का एक ट्रेनर है, और जो आपका आईएमएफ है वो कौन है, आपका डॉक्टर है। अब ट्रेनर क्या करेगा, ट्रेनर आपको ऐसी एक्सरसाइज बताएगा, ऐसी टेक्निक्स बताएगा जिससे आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हो, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन रख सकते हो, ठीक है। और ट्रेनर जो है वो क्या है, वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक भी क्या करता है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, उनको पैसे देता है, उन्हें कहता है कि आप अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ठीक कीजिए, ब्रिज बनाइए, नए नए प्रोजेक्ट लगाइए, अपनी इकोनॉमी को डेवलप कीजिए। तो हुआ ना वो ट्रेनर, जैसे ट्रेनर आपको कहता है कि आपने बॉडी के स्ट्रक्चर को सही रखना है, वैसे ही वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि आपने अपनी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को सही रखना है। दूसरी तरफ मान लीजिए आईएमएफ जो है वो आपका डॉक्टर है। डॉक्टर क्या करता है, जब आप बहुत बीमार हो जाते हो तो आप भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हो और उसे मेडिसिन लेकर ठीक हो जाते हो। इसी तरह से जब किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन, मॉनेटरी कंडीशन ख़राब हो जाती है, उस टाइम पर उस कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो आईएमएफ के पास जाती है और इमरजेंसी के टाइम पर उनसे हेल्प लेकर अपनी कंडीशन को ठीक कर लेती है। आइए करते हैं इसके डिफरेंस को डिटेल में। वर्ल्ड बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ। ये क्या करती है, जितनी भी पुअर कंट्रीज़ होंगी उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करके उनको ग्रो करने में हेल्प करेगी, लेकिन आईएमएफ जो है वो इकॉनमी को स्टेबल करने में हेल्प करता है। जो एक्सचेंज रेट होगी उसे स्टेबल करके इकोनॉमिक कंडीशन को स्टेबल करेगा। वर्ल्ड बैंक जो है ये डेवलपिंग प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन आईएमएफ जो है वो क्या करेगा, आईएमएफ इज़ अबाउट बैलेंसिंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। ये करेगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल, ये सारा जो है फाइनेंस से रिलेटेड है, फंड से रिलेटेड है, और वर्ल्ड बैंक जो है ये बैंकिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। बैंकिंग एक्टिव मतलब इंटरमीडियरी की तरह ये काम करता है, एक जगह से पैसे इकट्ठे करके दूसरी जगह जिसको ज़रूरत है पैसे की उनको पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नेक्स्ट डिफरेंस मेंबर्स। अब जो वर्ल्ड बैंक है उसके आगे दो पार्ट्स होंगे, IBRD जिसको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहते हैं, और सेकंड है IDA जिसको इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन कहते हैं। इसके 189 मेंबर्स हैं और IDA के 173 मेंबर्स हैं। IMF के जो है इसका कोई पार्ट नहीं है, इसकी कोई सब्सिडरीज नहीं है। इसके कितने मेंबर्स हैं, 189 कंट्रीज़ जो हैं इनकी मेंबर हैं। उसके बाद एक्टिविटी क्या करती है, वर्ल्ड बैंक की एक्टिविटी है टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस करना।
वहाँ किसी भी कंट्री की जो कि पुअर है, जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज पर है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करके प्रोडक्टिविटी को वहाँ की इंक्रीज कर देती है। प्रोडक्टिविटी के इम्प्रूव हो जाने से वहाँ के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड बैंक का यही है कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना। जैसे ट्रेनर है, आपको एक्सरसाइज बताकर आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, वैसे ही वर्ल्ड बैंक करता है। लेकिन जो IMF है वो क्या करेगा, मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। किसी भी कंट्री में मॉनेटरी सिस्टम जो है वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि एक कंट्री भी अगर नीचे जानी शुरू होगी, बाकी की सारी कंट्रीज जो उसके साथ ट्रेड कर रही है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। दूसरी, आजकल ग्लोबलाइजेशन है, एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, अगर किसी भी कंट्री में डिप्रेशन आ जाता है तो वो सारी कंट्रीज जो कि उस डिप्रेशन वाली कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है उनको भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। डन। फिर है स्ट्रक्चर, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इसके दो स्ट्रक्चर हैं, IBRD और IDA। जो IMF है उसके कोई सब्सिडरीज नहीं है, लेकिन क्रेडिट लाइन जो है उसकी फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है। फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन एंड प्रिकॉशनरी लेंडिंग करता है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट करता है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। याद रखिएगा, IMF की कोई भी सब्सिडरी नहीं है, वर्ल्ड बैंक के आगे दो पार्ट्स में इसको, इसकी दो आर्म्स हैं, मतलब इन दोनों के थ्रू वर्ल्ड बैंक काम करता है। ये क्या है, इसको भी डिटेल में मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट बिटवीन इन्वेस्टर एंड रिसिप्टर। वर्ल्ड बैंक जो है वो एक्ट करता है एज अ इंटरमीडियरी, ये बोरो करता है, और जिनको भी ज़रूरत है, जिन भी कंट्री में कोई डेवलपिंग प्रोजेक्ट लगा है तो उन प्रोजेक्ट के लिए ये लोन प्रोवाइड कर देता है। लेकिन IMF जो है इट इज़ नॉट अ बैंक एंड इट डज नॉट इंटरमीडिएट बिटवीन इन्वेस्टर एंड द रिसिप्टर। IMF इज़ मोर लाइक अ क्रेडिट यूनियन, ये क्या है, एक क्रेडिट यूनियन की तरह, जैसे कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। कॉरपोरेटिव सोसाइटी का क्या ऑब्जेक्टिव है, जितने भी उसके मेंबर्स हैं उनकी हेल्प करना, उनका वेलफेयर करना, उसी तरह से IMF करती है। जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कोशिश करेगी मॉनेटरी पोजीशन जो है वो स्टेबल रहे। डन। हुज मेंबर हैव एसेस टू द कॉमन पूल, सारे मेंबर्स क्या करते हैं, हर के एक मेंबर कंट्री का कोटा होता है, हर एक मेंबर कंट्री कंट्रीब्यूट करती है, और जो पैसा इकट्ठा हो जाता है, जो पूल बन जाता है, उसी रिसोर्सेस में से असिस्टेंस हेल्प प्रोवाइड की जाती है जिस भी कंट्री को ज़रूरत होती है। फिर है सोर्सेज ऑफ फंडिंग, पैसा कहाँ आता है इनके पास, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसके पास पैसा कैसे आता है। द IBRD ऑब्टेन मोस्ट ऑफ इट्स फंड टू फाइनेंस डेवलपमेंट बाय मार्केट बोरोइंग। ये देखिए, मार्केट बोरोइंग, जो आपका वर्ल्ड बैंक है वो पैसा कहाँ से लेकर आएगा, मार्केट से बोरो करेगा। ये क्या करता है, बॉन्ड्स इशू करता है, किसे, इंडिविजुअल्स को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं ना वहाँ पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसके बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं, इंडिविजुअल इसके बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। इस तरह से इसके पास क्या आ जाते हैं, बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। और जो IDA है उसके पास पैसे कैसे आते हैं, ग्रांट्स प्रोवाइड करती हैं, डोनर नेशन डोनेशन देती हैं अलग अलग कंट्रीज को, इस तरह से इनके पास जो है पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जो आपका IMF है, रिसोर्सेज कम फ्रॉम कोटा,
यहाँ पर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते। इसमें क्या है, कोटा होती हैं, सब्सक्रिप्शन होती हैं, एक तरह से मेंबरशिप फीस लगा लीजिए। जैसे कि आप किटी पार्टी डालते हैं तो मेंबरशिप फीस देते हैं, किसी क्लब को ज्वाइन करते हैं तो मेंबरशिप फीस देते हैं। उसी तरह से जो 189 मेंबर्स हैं IMF के, वो इसमें क्या करेंगे, अपना कोटा फिक्स कर लेंगे और वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। जितनी रिच कंट्री है उतना ज़्यादा उनका कोटा होगा IMF में। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्प फोर। ये क्यों हेल्प करते हैं, कहाँ पर हेल्प करते हैं, कहाँ करते हैं हेल्प? जो वर्ल्ड बैंक है उसका एक ही दिमाग में याद रखना कि इसने पावर्टी को दूर करना है, तो ये क्या करेगा, हेल्थ केयर, वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हाउसिंग, इस तरह की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए पैसे प्रोवाइड करेगा। किसे प्रोवाइड करेगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ को। एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना, दोनों ही वर्ल्ड बैंक और IMF जो है वो गवर्नमेंट को पैसे देती है, किसी प्राइवेट कंपनी इंस्टीट्यूशन वगैरह को लेंडिंग नहीं करती। IMF जो है इट कॉन्टिन्यू टू प्रोवाइड शॉर्ट मीडियम टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर नेशन दैट आर रन इन टू टेम्पररी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएंसी। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, IMF का क्या ऑब्जेक्टिव है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। कितनी देर से मैं आपको कह रही थी मॉनेटरी बैलेंस करना, मॉनेटरी क्या है, मॉनेटरी बैलेंस वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करके रखती है। अगर किसी भी कंट्री में डेफिसिट BUP होती है तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है IMF से फंड ले सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास फंड किसको प्रोवाइड किया जाता है। वर्ल्ड बैंक जो है वो वेल्दी कंट्रीज़ को प्रोवाइड नहीं करती, सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ को जो कि डेवलपिंग है, जो कि नीडी है, जिनको ज़रूरत है उन्हीं को फंड्स प्रोवाइड करेगी। IMF जो है ये ऑल मेंबर नेशन, हर एक मेंबर नेशन को प्रोवाइड कर देती है, डजेंट मैटर कि वो रिच है या पुअर है। बस ये देखेगी कि जिस भी कंट्री में डेफिसिट BOP है वहाँ की गवर्नमेंट डिमांड करती है तो उनको उनके कोटा के हिसाब से फंड्स वगैरह प्रोवाइड कर देगी। आई होप फ्रेंड्स कि आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सॉरी वर्ल्ड बैंक और IMF के बीच में। मैं और भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। स्टे विद माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियो।